नमस्कार। करीब एक साल पहले जसवंत मेहता जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहते हैं। जीवन में कभी ऐसे मौके मिले नहीं थे कि जब इस तरह के गंभीर विषयों पर बातचीत की जाए, तो हमने कहा बताइए। तो इन्होंने धीरे धीरे बात करनी शुरू की और अपने पॉइंट्स मेरे सामने रखे और मेरे ख्याल से हम लोग एक घंटे तक काफ़ी चिंतन और थोड़ा बहुत विवाद करते रहे। और तब मुझे उस वक्त उनकी बातें सुनने के बाद ये समझ में आ रहा था कि यदि जो कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में है उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके आए और देश फॉलो करें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, जो दूर हो सकती हैं। और पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या है कि हम पॉलिटिक्स को अलग से कोई चीज़ मान के चलते हैं। पॉलिटिक्स हमारा जीवन है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में होता है वो बड़े इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्यों? डिसीजन कहाँ लिया जा रहा है? महंगाई ज़्यादा हो रही है, आप पता चल रहा है कि टमाटर बहुत महंगा हो गया या प्याज महंगा हो गया, तो मैंने देखा लोगों को प्याज कम खरीदते हैं या सब्जी में प्याज डालना ही छोड़ देते हैं। तो पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल चीज़ है जो कि हमारे जीवन को गवर्न करती है। तो वो पॉलिटिक्स किस सिद्धांतों पर चलती है, उन सिद्धांतों का ठीक होना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि कोई भी सिस्टम अपने में गलत नहीं होता। तो संसदीय प्रणाली जो भारत ने अपनाई वो भी गलत नहीं थी। 1947 के आसपास उस वक्त हमारे देश में जो सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे, सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर चिंतन करके कई महीने कई साल लगाए और तब ये फैसला किया कि हम जो ब्रिटेन में प्रचलित है पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको अपनाएंगे। फैसला गलत नहीं था। आप अगर उस वक्त के नेताओं को देखें तो वे बहुत दूरदर्शी थे, लेकिन तब का लिया हुआ फैसला शायद आज इसलिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया क्योंकि बदलाव बहुत आया। शायद गांधी जी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि 1990 के बाद उस वक्त जहाँ पर कि दो पार्टियों का प्रचलन था या एक बड़ी पार्टी रहा करती थी कांग्रेस के नाम पर, इतनी सारी पार्टियां आ जाएंगी और एक छोटी सी पार्टी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके कोई भी फैसला अपने हक पर करवा लेगी। इलेक्शन कोई बड़ी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के बूते पर जीतती है वो तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं देवी गौड़ा साहब। अब इसका क्या करें? यूथ ने या आप लोगों ने जब वोट दिया आपने देवी गौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे इसलिए तो नहीं दिया था। तो ब्रिटेन का सिस्टम अपनाने के पीछे बहुत सारी वजह रही होगी। एक तो सबसे बड़ी वजह तो ब्रिटेन बहुत नज़दीक है, उस वक्त लोगों का आना जाना ब्रिटेन की ओर ज़्यादा रहता था। गांधी जी खुद ब्रिटेन गए थे, अमेरिका जाने में बहुत समय लगता था, पता नहीं कितने दिनों की समुद्री यात्रा के बाद आप अमेरिका पहुँचते थे। तो जो सिस्टम नज़दीक था, जहाँ के लोग नज़दीक थे, उस सिस्टम को देखभाल के अच्छी तरह उस समय लागू किया गया था। तो फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि उस सिस्टम को लागू करने वाले जो लोग हैं उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। एक तरफ गांधी जी थे जिन्होंने जब देखा कि एक स्त्री के पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, उन्होंने कहा कि आज मैं कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, और जीवन भर उन्होंने ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? इतना कंसर्न अपने नागरिकों के लिए। तो आज क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई नेता इस तरह का कोई काम करे? मुझे नहीं लगता। उस वक्त 1947-1940-50 वो दौर बहुत वैल्यू बेस्ड बहुत मूल्य थे समाज में। आप देखते थे कि नेताओं के घरों में साहित्यकार जा रहे हैं, हिंदी के साहित्यकार हों, गुजराती के साहित्यकार हों, मराठी के साहित्यकार हों, उनकी दोस्ती प्रधानमंत्री से।
वैल्यू बेस्ड, हर व्यक्ति, हर नेता, और नेताओं में हम हीरो देखते थे, नायक। गांधी जी जहां चले जाओ वही भीड़। तो आज भीड़ तो होती है, लेकिन आपको मालूम हो भीड़ कैसे जुटाई जाती है। आज नायक कौन हो गए? 100 करोड़ की फिल्म करने वाले अभिनेता, नेता नहीं अभिनेता, एक्टिंग करने वाले लोग, वो नायक हो गए। तो सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी, बट अब जो जरूरतें हमारी बढ़ गई हैं, अब समाज को जिस तरह से नियंत्रित किए जाने की जरूरत है, उसके हिसाब से वो सिस्टम फेल होता दिख रहा है। इस लिहाज से अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी खूबियां आपको दिखाई देती हैं। अगर उन खूबियों को हम अपने यहां लागू करें तो निसंदेह थोड़े बहुत बदलाव, सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस की ओर समाज जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि बदलाव, समय बदल गया, उस वक्त जो चीजें थी उनकी प्रासंगिकता उस वक्त के लिए ठीक थी। मैं फौज में था तो क्या था कि ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स थे तो आर्मी में उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसको वी कॉल इट सेवादार सिस्टम, वेयर बाय यू नो अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर इज लुक्ड आफ्टर बाय एटलीस्ट 10 to 15 इंडियन जवान्स फॉर वट एवर ही डज। He'll come to his room, he'll wake him up, make tea for him, make him wear his shoes, hold his bag, and all those kind of things. Since Britishers were rulers, so they treated Indian jawans like that. But what about Indian army officers? They had no right to do the same kind of thing, the same kind of treatment. But since it was part of the system, it kept on. इट इज स्टिल देयर। फौज में आज भी सेवादार पद्धति है। कर्नल साहब को 5 आदमी मिलते हैं, इंडियन सोल्जर, सिपाही, और वो कर्नल साहब के लिए सब्जी लाने से लेकर कई बार तो शायद कपड़े भी धोते हैं अंदर। तो सिस्टम में जो चीजें खराब हैं उसको समय समय पर चेक करके बदलने की बहुत जरूरत है। जहां तक इंडियन यूथ की बात करें, 70% इंडियन पॉपुलेशन वो 30 साल से नीचे की है, मेरे ख्याल से कुमार साहब शायद ये डेटा है, कुछ 65%। यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है कि ऐसा लीडर हो जिसको वो आंख बंद करके फॉलो करे, जो सामने दिखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। हमारे देश में ऐसे लीडर्स हैं क्या? मैंने ओबामा को भाषण देते हुए सुना है। ओबामा जब आए थे पिछली बार इंडिया में, पार्लियामेंट में उन्होंने स्पेशल लेक्चर दिया था, और जितनी देर वो बोलते रहे उतनी देर मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑफिस में कोई भी आदमी अपनी सीट से हिला हो। मेसमराइज्ड द वे ही यू नो स्पोक। तो क्या ऐसे ही बोलता है आदमी? ऐसे नहीं बोलता। अंदर अंदर आग होनी चाहिए, अंदर से इंटेंसिटी आती है। वहां पर बच्चे मरे स्कूल में, ओबामा वॉज स्पीकिंग एंड ही क्राइड, द होल वर्ल्ड सॉ इट। हमारे देश में आपको कोई नेता रोते हुए मिलते हैं क्या? नहीं। तो यूथ को जिस तरह के नेता चाहिए, पहली बात तो उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि उस तरह के नेता वो चुने जिसे वो पसंद करता है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं, वो पसंद करता है सुषमा स्वराज को और पीएम कैंडिडेट बन जाते हैं कोई और, या कोई भी नाम ले सकते हैं किसी भी पार्टी के। अभी ओबामा और की बात चली थी, आजकल पूरी दुनिया ओबामा की और अमेरिका की ओर नजरें उठाए है, क्योंकि वो उनका जो हेल्थ केयर बिल पे उन्होंने बिल्कुल अड़ गए कि चाहे कुछ हो जाए जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं करूँगा, और वर्ल्ड की पूरी इकॉनमी थोड़ी डगमगाई हुई है इस वक्त। 18 तारीख तक मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ डिसीजन आने की ऐसी संभावना है। लेकिन इधर हिंदुस्तान में क्या हुआ? साहब कैबिनेट से पास करवाया,
नेताओं के कन्विक्टेड नेताओं को लेकर अध्यादेश, और फिर क्या हुआ कि वो सब हो गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन राहुल गांधी जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, इसको कूड़े में फेंक देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलके जिसको जो चीज लागू करते हैं उसको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि उसको कूड़े में फेंक देना चाहिए, और उसको वैसे ही किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की कैसे है, ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। ये खामियां है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स एंड दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। अगर हमारा देश 21वीं सदी में आगे एक डेवलप्ड देशों के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसको अपनी गवर्नेंस, अपना सिस्टम जिसको वो फॉलो कर रहा है वो ठीक करना होगा। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और भी बहुत सारी कमियां धीरे धीरे आ गई। उस वक्त नहीं सोचा था, जब संसदीय प्रणाली लागू हुई थी तब ये सोचा नहीं गया था कि यदि अगर बाप नेता हैं तो बेटे का अधिकार हो जाएगा कि वो भी नेता बनने साहब, ये नहीं सोचा था। तब नेताओं की कल्पना क्या थी, 47 आप लोगों ने सब जीवन देखा है, 50s 60s में कैसा हिंदुस्तान था। उस वक्त कॉलेज के टाइम में तय हो जाता था कि किसने क्या बनना है, और जिन लोगों में देश को चलाने की ऐसी कुछ काबिलियत होती थी, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होता था कॉलेज के टाइम से ही, यूथ 18-19 साल, भगत सिंह देखिए 24 साल तक तो वो अपना जीवन बलिदान करके चले भी गए। तो तब जो रुझान था, कहते हैं हिंदी में होनहार वीरवान के हो चीखने पार, बचपन से फैल जाता है कि कौन आदमी किस दिशा में जाने वाला है। तो वो लोग जिनको राजनीति में आना था पहले कॉलेज की राजनीति में आते थे, एक उसका एक लर्निंग सिस्टम है उसका, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते थे, फिर स्टेट के लेवल पे आते थे, उसके बाद नेशनल लेवल पे आते थे और सीखते हुए आते थे धीरे धीरे। लेकिन आज जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम है कि कैसे बहुत भावनात्मक भावुक देश है हमारा। पता चला कि पति की मृत्यु हो गई असामयिक अचानक, तो पत्नी इलेक्शन जीत जाती क्योंकि पार्टी को लगता है कि इमोशनल वेव चल रही है देश में, और इस पर कितनी बड़ी घटना हुई है आप ये आप लोगों को पता है, 90s में क्या हुआ इस देश में, किसकी मृत्यु पर कौन आया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है। आज देखिए कई सारे राज्यों में मुख्यमंत्री साहब हैं, और मुख्यमंत्री की कैबिनेट देखिए आप, उसमें मुख्यमंत्री के भतीजे, भाई, भांजे, बेटियां सारे भरे, और उनकी क्या पॉलिटिकल काबिलियत है, पॉलिटिकल काबिलियत की बात ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल काबिलियत जिनकी होती है उनको टिकट नहीं मिलता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बड़ा, सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट मेहता जी ये लगता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो लोग देश चला सकते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट आप ला सकते हैं। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और वो ऐसे पिछले 5-6 दशक से उनके बड़े बड़े सीईओज रहे, उनके मालिक रहे, उन लोगों ने इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स के बाद भी अपनी कंपनियों को का झंडा ऊपर रखा है। और मैं आपको बता दूं कि किसी कंपनी को चलाना, प्रॉफिटेबल बनाना और 5 दशक तक प्रॉफिटेबल बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है, इसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, दूरदर्शी होना पड़ता है, नहीं तो कंपनियां बंद हो जाती, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। तो जिस तरह से वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, उसी तरह से हमारे रिक्वायरमेंट बदलती है समाज में। आज देखिए सबके पास मोबाइल है, सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, तो यूथ को कहाँ ले जाना है, यूथ को कैसे गाइड करना है, कौन सोचेगा, क्या सबके पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज कौन बनाएगा। तो पॉलिसीज बनाने के लिए
आदमी को दूरदर्शी होना चाहिए, चिंतक होना चाहिए। यहां तो जो चिंतक है, दूरदर्शी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, वो सोचता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ इमेज बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्टली इट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग एंड द प्रॉब्लम्स दैट द सिस्टम हैज। चाहे वो 5 दशक में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आज हमको साफ दिखाई दे रही है। आज किसी लोकपाल बिल को लाने के लिए इतना वक्त वेट करना पड़ा, इतने दशक साथ इतने वेट करना, पूरा देश का यूथ सड़कों पर आ गया और उसके बाद भी जो आया उससे आई बिलीव यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये बदलाव कुछ तो इरादे से लाए जाते हैं, कुछ आंदोलनों से लाए जाते हैं, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं कि जो अगर सिस्टम ठीक हो तो ऑटोमेटिकली आते हैं, फिर उसके लिए बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शायद सिस्टम को ठीक किए जाने की जरूरत है और उसको इस तरह से ठीक किया जाना है कि आज की जो जरूरतें हैं नागरिकों की उन्हें पूरा किया जा सके। तो मेरे ख्याल से इस विषय पर बोलने के लिए जसवंत जी ने तो शायद इस पर इतना काम किया हुआ है कि आप लोग भी चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा सुने, कुमार केतकर जी हैं। तो फिलहाल मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कि हमारे रूटीन लाइफ को अल्टीमेटली टच करती हैं उसकी वजह से दिखाई नहीं देती, आपको पता नहीं चलता, बट आपकी रोज की एक्टिविटी यहाँ तक कि आपके उठने और सोने तक को इन्फ्लुएंस करती हैं। यू डोंट कम टू नो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यू डू नॉट हैव गुड लीडर्स, गुड पॉलिटिकल सिस्टम। इतनी सारी पार्टियाँ आज हैं देश में, छोटी पार्टियाँ हैं, अच्छी बात है, बहुत फायदे भी हैं उसके, लेकिन अगर 2-3 ही पार्टियाँ होती तो क्या खराब होता। आज छोटी पार्टियाँ बड़ी पार्टियों का आर्म ट्विस्ट करती हैं, बोलती हैं कि हमारे 4 लोगों को आप कैबिनेट में सीट दो, के मंत्री बनाओ, तब हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो करने वाला ही मजबूरी में करता है। अब मनमोहन सिंह जी बहुत सारे कामों को मजबूरी में करने पड़ते हैं, अथॉरिटी नहीं है उनके पास, लॉट ऑफ वायर्स दे कॉल इन पपेट पीएम, दे थिंक द स्ट्रिंग्स आर समवेयर एल्स, समबडी एल्स इज प्लेइंग द गेम। और बार बार ऐसा बोला जाता तो लगता भी है बहुत सारी डिसीजंस को देख के नहीं चाहिए। जो नीड अ लीडर जिसके पास अथॉरिटी हो, जो बोले नो दिस इज राइट, और उसके बाद जो अपने मतलब के लिए उस चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, उन लोगों की पावर उसके सामने न चले। यू नीड सच काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स। बाकी जसवंत साहब आपको बताएंगे, फॉर मी आई बिलीव इतना ही बहुत। थैंक्स।